योगी जी की सरकार की शक्ति से मन चलो गुंडों दबंगों दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मनचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले सात सालों में स्कूल में कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से तीन तलाक दे दिया जाए, ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो तीन तलाक दे दी जाए, ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो तीन तलाक दे दो, घड़ी मंगवाई घड़ी नहीं आई तीन तलाक दे दो, मोबाइल मंगवाया मोबाइल नहीं आया तीन तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी तीन का तीन तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास तीन तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, तीन तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है।